नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलेंगे कुछ दवाएं। फिल्मी पर्दे पर दिखेंगे बिहार के ये प्राकृतिक स्थल। उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र परखेंगे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। बिहार के इन क्षेत्रों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। रोहित शर्मा को गौतम गंभीर ने दी चेतावनी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलेंगी कुछ दवाएं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को चुनिंदा दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। हालांकि उससे पहले बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों की दवाओं की सूची में संशोधन होगा, फिर जाकर मुफ्त में मिलने वाली दवाइयों की सूची बनेगी और यह सूची समय समय पर संशोधित की जाएगी ताकि मरीजों को उनकी जरूरत वाली दवाएं सहूलियत के साथ मिल सके। बताते चले कि दवाओं की सूची में संशोधन को लेकर आवश्यक विचार विमर्श किया गया है। तेलहड़ कुंड इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है तेलहड़ कुंड। तेलहड़ कुंड बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। तेलहड़ कुंड अथवा तेलहड़ जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ और धोड़ा मार्ग पर स्थित है। तेलहड़ कुंड चारों तरफ से हरा भरा दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। 80 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए इस झरने की खूबसूरती, चारों ओर की हरियाली, पंछियों की चिलचिलाहट और प्राकृतिक सुंदरता आने वाले पर्यटकों को मोहित कर लेती है। यह स्थान पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने जारी किया पीजी का एकेडमिक कैलेंडर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के लिए अहम सूचना है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने पीजी का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत 2020-22 सत्र की थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 3 नवंबर से आरंभ कर 10 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। परिणाम 18 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। पीजी के एकेडमिक कैलेंडर में दिसंबर 2024 तक होने वाली सभी परीक्षाओं और परिणाम की घोषणा कर दी गई है। छात्रों को 75% कक्षाओं में उपस्थित अनिवार्य होगी। विद्यार्थी यह कैलेंडर पीपीयूपी के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 66 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 409 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय, दरभंगा और भोजपुर में 1, भागलपुर में 4, गया में 6, कैमूर और किशनगंज में 1, मुंगेर में 3, नालंदा में 1, पटना में 34, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 83,862 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 96 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। आईटीबीपी ने कांस्टेबल के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की बढ़ाई तिथि। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। मालूम हो कि आईटीबीपी ने कांस्टेबल के पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 17 सितंबर थी, जो कि अब बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आईटीबीपी के आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई का सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। फिल्मी पर्दे पर दिखेंगे बिहार के ये प्राकृतिक स्थल। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। उन्हीं में से एक है रोहतास जिला, जिसकी सुंदरता देखते बनती है। ऐसे में जिले की प्राकृतिक सुंदरता अब फिल्मों के माध्यम से देश विदेश के लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए फिल्मों के शूटिंग के लिए जिले में मौजूद खूबसूरत स्थानों का डेटा तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक वंदना प्रेयसी ने डीएम को पत्र लिख जिले में उपलब्ध पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण गांव, खूबसूरत लैंडस्केप और उपलब्ध होटलों का ब्यौरा मांगा है। जल्द ही इसकी सूची राज्य मुख्यालय को भेज दी जाएगी।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुप्रिया एमन की। सुप्रिया एमन या आयशा एमन एक भारतीय मॉडल और ब्यूटी प्रेजेंट टाइटल होल्डर हैं। उन्हें ग्लैमेंट मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 का ताज पहनाया गया और उन्होंने टोक्यो जापान में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2015 प्रेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें पैनासोनिक संगठन द्वारा वर्ष 2015 के लिए पैनासोनिक ब्यूटी एम्बेसडर और मिस इंटरनेशनल प्रेजेंट में जापान टूरिज्म एंड इंटरनेशनल कल्चरल एसोसिएशन द्वारा मिस विजिट जापान टूरिज्म एम्बेसडर से सम्मानित किया गया था। एमन का जन्म बिहार राज्य की राजधानी पटना में हुआ था। अब इस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा SBI। अगर आप भी SBI के कस्टमर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। SBI ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर SMS शुल्क माफ करने की घोषणा की है। SBI ने यह जानकारी देते हुए कहा कि USSD सर्विस का उपयोग करके ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं, जिसमें पैसे भेजने, रिक्वेस्ट मनी, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और UPI पिन बदलना शामिल है। बिहार के इन क्षेत्रों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में फिलहाल मॉनसून मेहरबान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों के सभी जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ में गर्जन होने की संभावना जताई है। IRCTC कर रहा है बिहार के 10,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी। महागठबंधन सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों से 10 लाख रोजगार देने की बात की थी। अब वे वादे को धीरे धीरे पूरा करते हुए दिख रहे हैं। डिप्टी CM होने के नाते तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग, भूमि राजस्व विभाग सहित अन्य विभाग में रोजगार सृजन करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस बीच IRCTC ने बिहार में 10,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बनाया है। दरअसल IRCTC के उप महाप्रबंधक जफर आजम ने बीते दिन पर्यटन के क्षेत्र में बिहार लगातार विकास कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें रेलवे में बिहार सरकार के सहयोग से एक नई पहल करने जा रही है, जिसमें यहां के 10,000 लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इसलिए IRCTC बिहार के CM, डिप्टी CM और पर्यटन मंत्री से मुलाकात कर कई नई योजना को लागू करने का काम करेगी। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का किया भंडाफोड़। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर ठगों की संख्या भी बढ़ रही है। साइबर ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पटना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो कि पटना में बैठकर विदेश में अमेरिका के लोगों को पटना कॉल सेंटर से डेटा भेजकर ठगी करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आया साइबर ठग कोलकाता का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से 10.5 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। बीते दिन देर शाम सोमेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे मनोज वाजपेयी। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी बीते दिन मोतिहारी जुलाई स्थित अरेराज के मनोकामना पूरक पंचमुखी बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिन रविवार की देर शाम मनोकामना पूरक शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराया गया। इस दौरान मनोज वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश के लोगों के सुख और समृद्धि की कामना की है। उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र परखेंगे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। सरकारी विद्यालयों के मिड डे मील की व्यवस्था में आए दिन अनियमितता और लापरवाही देखी जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार इसके लिए बड़ी पहल करने जा रही है। दरअसल उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र राज्य के सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिड डे मील की गुणवत्ता जाँच की मुहिम में जोड़ने को कहा है। इस नई पहल के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में पढ़ने वाले छात्रों को हर साल अनिवार्य रूप से एक स्कूल का दौरा करना होगा कि उनके शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होगा। इसके लिए छात्रों को मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया एक फॉर्मेट भी भरना होगा, जिसमें भोजन से जुड़ी करीब 25 जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, यह रिपोर्ट सीधे शिक्षा मंत्रालय को मेल पर भेजनी होगी। स्मृति तावड़े ने जमकर विपक्ष को लताड़ा, मोदी 2.0 पुस्तक का हुआ विमोचन। बीते दिन बिहार भाजपा के नए प्रभारी विनोद तावड़े मोदी 2.0 पुस्तक के विमोचन के लिए पटना पहुंचे, जहां स्मृति ईरानी भी साथ रही। इस दौरान बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि स्मृति ईरानी मेरी बड़ी बहन है, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है। उनकी उंगली पकड़कर मैं यहां आया हूं, तो कुछ भी कर सकता हूं।
अब जब बिहार में नरेंद्र मोदी आए थे और उनकी सभा में बम के धमाके हुए थे, बिहार की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उस समय भी हालात खराब थे, अब भी हालात खराब हैं। बेगूसराय में क्या हो रहा है, जो कि निगाह उस पर है। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे 20 साल से मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला है, मोदी मंत्र है, मेथड है और मिशन है। कल मोदी जी का जन्मदिन था, लोगों ने कहा देखो शेर ने अपना जन्मदिन चीतों के साथ मनाया। टाटा ने कर्मचारियों के बोनस में की बढ़ोतरी। टाटा कमिंस ने तय फॉर्मूले के तहत 18.5% बोनस की घोषणा की है। अब इसके बाद टाटा कमिंस के कर्मचारियों को समझौते के तहत अधिकतम 1,14,454 और न्यूनतम 37,478 रुपये मिलेंगे। वहीं औसत बोनस 77,591 रुपये मिलेंगे। बोनस की घोषणा होने के साथ बिहार में जश्न देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार की बड़ी आबादी जमशेदपुर में रहती है, उनका भी बिहार से रिश्ता बना हुआ है। यही कारण है कि जमशेदपुर में होने वाले बोनस का इंतजार बिहार के लोगों को जमशेदपुर के लोगों से ज्यादा रहती है। जदयू ने बिहार भाजपा प्रभारी पर लगाए कई आरोप। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भाजपा ने अपने प्रभारी बदले और महाराष्ट्र के विनोद तावड़े पर अपना भरोसा जताया। इस बीच जदयू ने भाजपा के नए प्रभारी पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद व अंजुम आरा ने बिहार भाजपा प्रभारी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि कई मामलों में इनकी संलिप्तता के कारण ही वर्ष 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। यही कारण है कि भाजपा महाराष्ट्र चुनाव हार गई। जदयू प्रवक्ता ने इन पर ये भी आरोप लगाया है कि विनोद तावड़े के अनुसार उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की है, लेकिन जिस कॉलेज से उन्होंने यह डिग्री ली है उसे ना तो यूजीसी की मान्यता है और ना ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से संबद्धता है। यूपी के डिप्टी सीएम ने पीएम उम्मीदवार को लेकर दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी समय है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही समीकरण बैठाने में जुटी हुई हैं। बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चे हैं। वहीं इन नेताओं में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के नाम की काफी चर्चा है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं समझता हूं कि विपक्ष रहेगा ही नहीं, तो इस पर सवाल को पास कर दीजिए तो अच्छा है। पीएम पद के लिए विपक्षी दल आपस में चुनाव कर लें कि कौन उनका उम्मीदवार है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री और देश में 2024 के बाद भी प्रधानमंत्री रहेंगे। फूलपुर में जमानत जब्त तो होने वाले बयान पर जदयू का पलटवार। नीतीश कुमार के कभी पीएम उम्मीदवार बनने को लेकर तो कभी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने को लेकर काफी चर्चे चल रहे हैं। यह खबर जब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को पता चली तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब यूपी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि बिहार के अंदर उनके लिए 2 सीट भी जीतना मुश्किल होगा। उनके सहयोगी ने उन्हें सुझाव दिया है या उन्हें ऑफर दिया गया है फूलपुर से चुनाव लड़े। नीतीश कुमार जाए चाहे वह फूलपुर हो या मिर्जापुर हो, उनकी जमानत जब्त होगी। इस पर पलटवार करते हुए जदयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह फैसला तो 2024 में होगा, सिर्फ आघात से भाजपा परेशान है। शिवानंद तिवारी ने कहा नीतीश तेजस्वी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। IRCTC घोटाला मामले में CBI ने तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार में राजनीतिक बदलाव ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। तेजस्वी यादव ने अब तक CBI की जांच को प्रभावित नहीं किया। सवाल यह भी है कि CBI ने इतने दिनों तक इस मामले की जांच को लटका कर क्यों रखा। 4 वर्ष तो तेजस्वी यादव को जमानत लिए हो गए हैं। केस तो और पहले दर्ज हुआ था। देश की काबिल सक्षम और कुशल जांच एजेंसी CBI को ऐसे मामलों की जांच में कितना समय लगना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि ऐसी संभावना पर तेजस्वी ने पहले ही जनता को आगाह किया था। साथ ही नीतीश ने भी कहा था कि जनता ही सब देखेगी। जगदानंद सिंह बोले अब मेरी इच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनने की नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की इच्छा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने की नहीं है। उनका कहना है कि उनका मन नहीं थका है लेकिन शरीर थक चुका है। मालूम हो कि राजद का बिहार में पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। इस बीच जब बीते दिन जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने कहा कि अब मेरी इच्छा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने की नहीं है। मेरा मन नहीं थका है लेकिन शरीर थक गया है। पहले 12-12 घंटे तक काम करते थे लेकिन 6 घंटे ही कर पा रहे हैं।
रोहित शर्मा को गौतम गंभीर ने दी चेतावनी। टी20 वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है और जो कि अगले ही महीने अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले क्रिकेट के जानकार अपने अपने मत पेश कर रहे हैं। इस बीच पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान रोहित शर्मा को चेतावनी दे दी है। मालूम हो कि वर्ल्ड कप से पहले आगामी 20 सितंबर से पहले भारतीय टीम 3 दिवसीय टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, जिसको लेकर गौतम गंभीर का कहना है कि इस सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा। साथ ही अगर टीम इंडिया इस सीरीज में कंगारू को नहीं हरा पाती है तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब नहीं जीत पाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो यानी अमेरिका के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत के उत्तरी सीमा पर 1962 में चीन द्वारा आक्रमण। भारतीय गायक संगीतकार और अभिनेता लकी अली का जन्म 1998 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का जन्म 1977 में हुआ। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सम्मानित कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ। सिखों के चौथे गुरु सिख गुरु रामदास का निधन 1581 में हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान विष्णु नारायण भातखंडे का निधन 1936 में हुआ। चर्चित लेखिका सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री सरस्वती प्रसाद का निधन 2013 में हुआ। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मुगल वंश का 11वां बादशाह रफीउद्दौला का निधन 1719 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1098 और को गृह मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है और इसे ERSS हेल्पलाइन नंबर 112 के तहत संचालित किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। मंत्रालय WCD हेल्पलाइन 1098 का संचालन जारी रखेगा। व्हाट्सएप ने अब फिल्म बिजनेस में किया प्रवेश। मेटा के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन खुद को अपडेट करता रहता है और अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता है। इस बीच व्हाट्सएप अब फिल्म निर्माण की राह में प्रवेश कर रहा है और अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर अपनी पहली ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म नैसा ओडिसी का प्रीमियर करेगा। 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म NBA खिलाड़ी जियानिस एंटेटोकोनम्पो की कहानी बताती है, जो ग्रीस में नाइजीरियाई परिवार में पैदा हुआ था। व्हाट्सएप ने ट्वीट कर कहा कि प्राइम वीडियो पर 21 सितंबर को स्ट्रीम करें। 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म मनोरंजन में व्हाट्सएप के प्रवेश को दर्शाती है, जो सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए पहली बार है। बिहार का चतुर्थ रोड मैप देश के लिए दिशा तय करेगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप पर परिचर्चा के लिए देशभर के कृषि से जुड़े पुरस्कृत किसानों तथा विशेषज्ञों की राय ली गई है। महागठबंधन सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि चतुर्थ रोड मैप में विशेषकर फसलों को पाटने के लिए कार्य किया जाएगा। यह रोड मैप ऐसा कृषि रोड मैप होगा जो देश के लिए दिशा तय करेगा और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाला कृषि रोड मैप उत्पादनों की लागत के बजाय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। बता दें, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उक्त बातें बामेती पटना में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रुपेश कुमार, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, सुमित कुमार पांडे, अनवर करीम खान, कुश कुमार यादव, लक्ष्मी मेहता, मनोज कुमार, प्रमोद पासवान, कविता कुमारी और नुनू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके पसंदीदा कवि कौन है, उनके द्वारा लिखी गई कौन सी वो कविता है जिससे आप बेहद प्रभावित हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।